बोले श्याम प्यारे की। तैयार हो जाना, मिलकर बोलना, क्या बोलोगे? मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शीश कदानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ। किसको किसको पसंद है ये सेठ? किसको किसको ये सेठ पसंद है? ये तालियां सुनो, एक बार इसी केस की तालियां सुननी चाहिए बाबा। दादा हेलो, सामने मत आइए आप। कृपा करने वाले की इसके दरबार के सेवक भी इसके दरबार के नौकर भी दुनिया में सेठ कहते हैं। जिनको है मिली सेवा इनकी वो किस्मत पे इतराते हैं। जिनको है मिली सेवा इनकी वो किस्मत पे इतराते हैं। जो शाम की सेवा रोज करे वो रात दिवस फिर मौज करे। जो श्याम इनायत बाबा की खुद खुशियां उसकी खोज कर। जिन पे है इनायत बाबा की खुद खुशियां उनकी खोज करे। मैं उस दरबार का सेवक हूँ। अच्छा बताओ कौन कौन अप्लाई करेगा? फॉर्म भरना पड़ता है ना कंपनी के लिए, कौन कौन अप्लाई करेगा बताओ? बहुत सिंपल तरीका है, वेरी सिंपल। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। इसकी नौकरी पाने के लिए अपॉइंटमेंट घर में आएगा। रोज सुबह उठकर अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह देना, बाबा मैं तेरा और तू, मैं तेरा और तू, मैं तेरा और तू। चंद दिनों के अंदर हम आपको पता चल जाएगा कि बाबा ने आपको अपना नौकर रख लिया। किसको किसको भरोसा है हाथ उठाना, जिनको भरोसा है वो हाथ उठाना। एक दो तीन चार। श्याम पे भरोसा तुमको करना होगा। श्याम पे भरोसा तुमको करना होगा। श्याम की शरण में ही रहना होगा। श्याम की शरण में ही रहना होगा। श्याम की डगर पर चलना होगा। श्याम की चलना होगा। शाम पे भरोसा तुमको करना होगा। शाम की शरण में रहना हो। अच्छा सुनो बेटा, कई हाई फाई लोग यहां पर बैठे होंगे, अच्छे अच्छे पदों पर। कंपनी 50 का पैकेज देती है ना तो खून चूस लेती है बाबूजी, सही है ना? 24 घंटे की नौकरी लेती है। और कई बार आप लैपटॉप पर बैठे हो, परेशान हो रहे हो, काम अधूरा है, कल सवेरे फाइल सबमिट करनी है, काम नहीं हो रहा। बताऊं मैं एक उपाय बताऊं? एक कॉपी के ऊपर में श्री लिखना,
एक कॉपी के ऊपर में श्री लिखना, दोनों तरफ दो खड़ी पाई करना, माथे से लगाना और उसके नीचे लिख देना हारे के सहारे की, और उसके बाद फिर लैपटॉप को हाथ लगाना, जो काम अटक रहा था काम बन जाएगा। आप सारी रात की सोच रहे थे, दो घंटे के अंदर में काम बना देगा। विश्वास का खेला है, किसको किसको विश्वास है, तालियां बजा कर। विश्वास जगाने वाले की जब भी कोई चित्कार करे तो इनका सिंहासन हिलता है। जब भी कोई चित्कार करे तो इनका सिंहासन हिलता है, ये रोक नहीं पाता खुद को, झट जाकर उनसे मिलता है। ये रोक नहीं पाता खुद को, झट जाकर उनसे मिलता है। जो श्याम प्रभु से आस करे बाबा ना उसको निराश करे, जो श्याम प्रभु पे आस करे बाबा ना उसको निराश करे, उन्हें खुद ये राह दिखाता है। जो आंख मूंद विश्वास करे उन्हें खुद ये राह दिखाता है, जो आंख मूंद विश्वास करे। हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, रुक जाओ। जब भी कोई चित्कार करे तो इनका सिंहासन हिलता है, बोलो ना बोलो। जब भी कोई, ये रोक नहीं पाता खुद को, झट जाकर उनसे मिलता है। बोलो, ये रोक नहीं पाता खुद को, झट जाकर उनसे मिलता है। जो श्याम प्रभु पे आस करे बाबा ना उसको निराश करे, उन्हें खुद ये राह दिखाता है। जो आंख मूंद विश्वास करे उन्हें खुद ये राह दिखाता है, जो आंख मूंद विश्वास करे। देखो हमारी जिंदगी है ना, 25 दिन कीर्तनों में रहती है, 30 दिन के अंदर में 2 दिन 3 दिन घर पहुंचते हैं, पीछे से पूरा परिवार है, बुजुर्ग माता पिता है, दो दो भाई, दोनों भाइयों का परिवार। और इतने वर्षों में कई बार ऐसी घड़ी आई, कीर्तन करने जा रहे हैं, अचानक खबर आई कि पिताजी को प्रॉब्लम हो गई। आज 81 कि मेरे पिताजी हैं, उस समय धर्म संकट हो जाता है, कीर्तन में जाना है कि बाबा घर जाऊं कि कीर्तन में जाऊं। फिर मन में आता पगले, वो दिन भूल गया जब तू सड़क पर था, सड़क से उठाकर आज यहां तक तुझे पहुंचाया, कोई तुझे अपना बोलने वाला नहीं था, तुझे अपने रिश्तेदार दिए, भरोसा छूट रहा है, भरोसा रख। कहा बाबा तू जाने और तेरा, कीर्तन की तरफ मुड़ गए, 10 मिनट में खबर आ गई कि एकदम ओके है, दरबार में खड़ा होकर झूठ नहीं कह रहा। जो श्याम प्रभु पे आस करे बाबा ना उसको निराश करे, उन्हें खुद ये राह दिखाता है, जो आंख मूंद विश्वास करे। आंख मीच कर इनका नाम लेकर निकल जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं होगा,
किसको किसको भरोसा है, किसको किसको मिलकर तालियां बजाना। और क्या बोलोगे? मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शीश कदानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ, मैं उस दरबार का सेवक हूँ, मैं उस दरबार का सेवक हूँ। कौन कौन बनेगा, कौन कौन बनना चाहेगा इनका नौकर, ये तालियां बजाकर। सुन सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। ओ सुन सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। कैसे हारे का सहारा बनेगा, कैसे बनेगा, हाथ उठाना और तालियां बजाकर एक बात कहना। क्या? हार गया मैं श्याम, हाथ मेरा तू थाम। बोलो बोलो। गया मैं श्याम, हाथ मेरा तू थाम। बोलिए लखदातार की क्या बात है। जिसने भी श्याम की चौखट पर आकर के माथा टेका है, जिसने आकर के माथा टेका है, उसने मुड़ कर के जीवन में फिर वापस ना कभी देखा है। उसने मुड़ करके जीवन में फिर वापस ना कभी देखा है। माधव जब श्याम सहारा है तो जीवन में पावारा है। माधव जब श्याम सहारा है तो जीवन में पावारा है। जो हार गया एक बार यहाँ वो हारा नहीं दोबारा है। जो हार गया एक बार यहाँ वो हारा नहीं दोबारा है। मैं उस दर जिस मैं गर्व से जग में कहे मेरा मालिक शीश कदानी है। मैं गर्व मैं उस दरबार का